चलो पंडर लोग महफिल जमाते हैं। थैंक्स भैया। हाय वेलकम। हाय। हाय। अगर वो लोग देख लेते तो मार डालते। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? आओ मैं तुम्हें कुछ नमूना दिखाता हूँ। कालू भैया, भैया। अरे यार ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ? गुलाब नीचे रह गया। नीचे रह गया? अरे ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो। वहाँ देखो। फेंको फेंको। थैंक्स भैया। एकदम जॉन्टी रोड्स। भाई फोन पता है, बीवी का है, बजने दे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे गार्ड कर रहे हैं। पर कैसे? तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। मैंने हाय भेजा था, तुम भी मैसेज में हाय भेज देते। सिर्फ दोस्ती होती तो मैसेज करता, सच्चा प्यार है इसलिए रिस्क लिया। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे। अगर दोस्त के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ तो सच्चे प्यार के लिए जान नहीं दे सकता। तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? जिसे प्यार हो जाए वो मौत के खौफ से बेखौफ हो जाता है। क्या तुम्हें प्यार से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वेंकी, प्यार से मुझे लोग वेंकी बुलाते हैं जान। हे, ये तो सीरियल हीरो बबलू है ना? यस, उबलता बबलू नाम है मेरा। हाँ पता है, तूने भानुमति के साथ जबरदस्ती क्यों की? भानुमति? कौन भानुमति? ओ आप मेरे मैं तो था, तू मैं ना सीरियल की बात कर रही है। उसके साथ जबरदस्ती करने की तो मुझे सुपारी मिली थी। उसके साथ ऐसा क्यों किया? पैसे के लिए तो किसी के साथ भी कर। भाई वो बैगन की औलाद बार बार मेरा फोन काट रहा है। मैंने लोन दे रखा है इसलिए फोन चालू रखा है, वरना कभी का नंबर चेंज कर देता है। लगता है इस कॉलर का क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ बे? मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर। अरे तू तो मेरी गैंग का मेंबर बन गया है और इन कपड़ों में शरीफ भी लग रहा है, बोल क्या चाहिए? कोई वाहियात आदमी मुझे रोज फोन पर तंग करता है, आप उसकी मरम्मत कर दो ना सर। उसको यहाँ बुला, वार्निंग देते हैं। कई बार दी, उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बड़ा बदतमीज और ढीठ आदमी है आपकी तरह। इसका करना क्या है? यहाँ बताऊं? उसकी हालत पतली कर दो। इतना बड़ा ब्रश लेके उसके मुंह के अंदर घुसेड़ 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 के ऊपर से फिनाइल डाल के फ्लश कर दो। उसका पूरा सिस्टम क्लीन होना चाहिए। सुबह दोपहर शाम टॉयलेट के चक्कर काट काट के ऊपर चला गया। फोन लगा। उधर से बात कर। भाई उस खजुए बैगन सिप्पी का फोन आ रहा है। मुझे दे, मैं बात करता हूँ साले से। हेलो, ए सिप्पी, करता रहा है मेरे नाम का जाप, पुण्य लगेगा। हे, इस वक्त आए तू बे? मैंने यही सवाल पूछने के लिए तुझे फोन किया है। तू कहाँ है बे? वैसे तो आज तुझे धोबी घाट लेके धोने का मूड है, लेकिन तेरे जैसे फालतू के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तू एक बार सामने आ जा, तुझे काट के खा जाऊंगा मैं। ए बाप जी, चक्कू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चक्कू पर, कटना तो खरबूजे को ही होता है। अरे तू सामने आ, तेरा पत्ता काट दूंगा मैं। पत्ते गिरे तो कुत्ते भी खेलते है रे। क्या रे, हो गया ना कंफ्यूज? मैं रोज अपनी गली के कुत्तों के साथ गेम खेलता हूँ, बॉल फेंकने का। कहाँ फेंकू बॉल? इंदिरा पार्क। इंदिरा पार्क? ओए मैं भी अपने कुत्तों को यहीं घुमाने लाता हूँ, ज्वाइन करेगा? ए, मैं अभी इंदिरा पार्क में हूँ, तू किधर है? मैं भी उसी पार्क में हूँ, तू कहाँ है? लुका छुपी खेल रहा है क्या? ए, पुतले के पीछे खड़ा हूँ मैं। मैं उसी पुतले के सामने खड़ा हूँ रे। अरे तो सामने आ। ए, बाहुबली को फोन पर इन्विटेशन देकर अपनी मौत को ललकार रहा है। तेरी बदतमीजियों का गिन गिन के बदला लूंगा। असली मर्द है तो बंद करिए चेस। रुक मैं अभी आता हूँ। फेस टू फेस। भागना नहीं उधर से। हिम्मत है? सिप्पी। बाबजी। तेरी तो कमीने साले गधे की औलाद, बिना ढक्कन के बदबूदार कटा। काले कौवे की टूटी हुई चोंच तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली की ना तो उंगली तोड़ के नाक में घुसेड़ दूंगा। तेरे जैसे सड़े हुए बैंगन का भरता खुली वाला कुत्ता भी नहीं खाएगा। छिपकली की टूटी हुई पूंछ, बाथरूम के लीकेज फ्लश। ये साला टैक्सी वाला इस सिप्पी निकला। इस सिप्पी ने तो मेरी टीआरपी ही गिरा दी। गिरा दो इसको भी। बता वो कौन था और इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? सर वो कहाँ मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पप्पा का पता मुझे पता है। तो ले चल हमको वहाँ। ये है सत्या, रियल एस्टेट की। हाय। We have done so many projects in Mumbai and Delhi. So we want to establish our new ventures in Hyderabad.
वाह बहुत बढ़िया। फॉर दैट वी नीड अ सपोर्ट सर। कौन है वो? भाई मैटर बहुत सीरियस होते जा रहा है, ये कई दिनों से चंदू के साथ घूम रहा है। हाँ भैया। इसका नाम राशन कार्ड से कट जाना चाहिए वरना तुम सबका नाम कट जाएगा। भैया इसका राशन कार्ड के आधार कार्ड भी कैंसिल करा दो। वेंकी मैं तुम्हारे साथ बेफिक्री से घूम रही हूँ, भैया ने देख लिया तो? अरे जब देखेंगे तब सोचेंगे। अरे जल्दी चलो ना। अरे भैया के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी चलो वेंकी जल्दी करो। चंदू अरे बहुत चिपक रहे दोनों, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। देखो वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, जल्दी चलो। डार्लिंग चेस सीन में हूँ, बाद में फोन कर रहा हूँ। उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, तू राइट पे घुमा रहे। भगा भगा भगा। अरे अरे तो छिटेंगे, राइट का लेके लेफ्ट में भगा, आरटीओ में कंप्लेन करूंगा। अबे टकले देख के नहीं चला सकता क्या? लेकिन चुप, छोड़ूंगा नहीं मैं उस हीरो को, अभी दिखता हूँ। हेलो भैया, मुझे डर लग रहा है भैया को हमारे बारे में पता चल गया। एक ना एक दिन उन्हें पता चलना ही था, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम बैठो मैं कॉफी का ऑर्डर देकर आता हूँ। ओके। मारने की कोशिश की। चंदू बापजी की बहन है। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो उस पे हाथ उठाएगा मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा। चलो आप नहीं जानते कि ये किसी लड़के से प्यार करती है? हैदराबाद में मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था सिर्फ आपके भरोसे पे, और आपने भरोसा तोड़ दिया। इसके पीछे कौन सा लड़का है और इसके जान के पीछे कौन से दुश्मन है आपको कुछ भी पता नहीं? शंकर इस तरह से इस पर हमला करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। सामने से लड़ाई नहीं कर सकता इसलिए पीठ पीछे वार कर रहा है, ऐसे में हमको और भी चौकन्ना रहना होगा। हमें चंदू को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा। इसे किसी से प्यार भी हो गया है, इसे कैसे रोकोगे? दीदी की गलती मैं नहीं दोहराऊंगी भैया, आपकी रजामंदी के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ मत बोलो तुम, मैं भरत से तुम्हारी दीदी की शादी करने वाला था लेकिन वो भाग गई। अब मैं 8 दिन के अंदर तुम्हारी और भरत की शादी करवाऊंगा और उसे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? सत्या ये चाहे किसी भी लड़के से प्यार करती हो वो जिंदा नहीं बच सकता। बिना उसकी गर्दन काटे मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो, अगर हमने भैया से कहा कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो भैया हमारा राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे और उसे ढूंढने दोबारा भेजेंगे, इतनी धूप में कौन भटकेगा? इसलिए हम कहेंगे उसे टपका दिया। भैया हमने उस लड़के को टपका दिया। हाँ भाई शाबाश। भैया उस लड़के को लेकर बाबजी की सारी टेंशन खत्म कर दी हमने। बाबजी को टेंशन सिर्फ उस लड़के का नहीं, कोई और भी है। और कौन? एक आदमी जो जानता है कि शंकर हमारा दुश्मन है, जिसने चंदू को मारने के लिए शंकर को अपने साथ मिला लिया। कौन है वो? वारंगल का केशव रेड्डी। मेरे लिए
लिए काम करता है उसके लिए 100 खून भी माफ है, लेकिन मेरे खिलाफ काम करने वाला गद्दार कहलाएगा। या तो वो गद्दार अपना नाम बताए, नहीं तो 10 मिनट में मेरा फोन बजेगा और बाप जी को मेरा प्लान किसने लीक किया पता चल जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना नाम बताओगे तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो गीदड़ की मौत मरोगे। भैया ओए मिश्रा, काम हो गया, फोन काट दे। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया, भैया माफ कर दो भैया, मैंने आपका नमक खाया भैया। इस घर का नमक खा के वफादारी बाप जी से करते हो? माफ कर दो भैया। मेरे घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी है, मेरे चारों तरफ मेरे आदमी हैं, दोनों का मजबूत होना जरूरी है। ले चल। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। अपनी वफादारी दिखाने का दूसरा मौका भी खो दिया। लास्ट चांस। खुद को मार, खुद को मार। मौत से बचकर कोई कहां तक भागेगा? हे वेंकी। हाय, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो ठीक है। हे, पहले तू बाबजी की बड़ी बहन की शादी कराने यहाँ से चला गया था और अब दोबारा आया उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए। तेरा मकसद क्या है यार? शादी के बाद उसके बच्चों का बाप बनने का रे। तू मरवाना चाहता है क्या? जिस पर तेरा दिल आया वो बाबजी की बहन है, तूने उससे प्यार क्यों किया? मैंने बाबजी की बहन से प्यार नहीं किया, जिससे प्यार किया वो बाबजी की बहन निकली, मैं क्या करता? चाहे हम बम पर गिरे या फिर बम हमारे पर गिरे, फटना तो हमें ही पड़ेगा। बाबजी के गुंडे हर जगह तुझे तलवार लेके ढूंढ रहे, अगर उन्हें पता चला कि तू उनकी छोटी बहन से शादी करने वाला है तो वो तेरा मर्डर ही कर देंगे। तू चाहता क्या है? मुझे उन्हें अपनी स्टाइल से मनाना पड़ेगा। वो नहीं माने तो लड़की लेकर रफू चक्कर हो जाऊं।